नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। डीजल बसों को बंद करने के लिए 6 माह का समय बढ़ा। बिहार के इन 5 जिलों में मॉडल अस्पताल बनकर हुआ तैयार। बीपीएससी टॉपर पटना के अमन आनंद ने अपनी तैयारी को लेकर कहा ये। भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड पर हासिल की शानदार जीत। पर बैठे पता करें कि आपका आधार कार्ड किस मोबाइल नंबर से है लिंक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के 215 पदों पर निकली भर्ती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा हेड कांस्टेबल की 215 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट https://cifrect.cisf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन करने की शुरुआत 30 अक्टूबर यानी कि आज से हो रही है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा 1 अगस्त 2023 तक 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। डीजल बसों को बंद करने के लिए 6 माह का समय बढ़ा। बिहार परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और गया में डीजल वाहन को बंद करना है, लेकिन अब पर्व को देखते हुए बस मालिकों और संघ के लोग के द्वारा समय देने की मांग की गई थी। इसी को देखते हुए अब 6 माह का समय दिया गया है ताकि तब तक बस मालिक अपनी व्यवस्था कर सके। उन्होंने कहा कि अब फैसला छठ और दीपावली को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद हम लोग डीजल वाहन को बंद करेंगे। पटना और मुजफ्फरपुर में धीरे धीरे सीएनजी का पाइप बिछ रहा है, सुविधा मिल रही है, इसे और बढ़ाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना, मुजफ्फरपुर और गया में 30 सितंबर की रात से ही डीजल बसों पर रोक का फैसला लिया गया था, लेकिन बस मालिकों की ओर से 6 महीना बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया। बिहार सरकार की ओर से डीजल वाहन को सीएनजी में बदलने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्रा के बारे में। सत्यपाल चंद्रा एक भारतीय लेखक और उद्यमी है। वह मैगटैप टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। उन्होंने विभिन्न शैलियों के उपन्यास लिखे हैं। उनका पहला उपन्यास द मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2011 में महावीर पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित हुआ। यह किताब सांप्रदायिकता, युवा संघर्ष और उद्यमता के बारे में है। इसके बाद उसी वर्ष उनकी दूसरी पुस्तक गोल्डन एंजल एंड द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट डायमंड बुक्स में प्रकाशित हुई। वर्ष 2012 में उनके 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। 2013 में उन्होंने अपनी अगली पुस्तक आफ्टर ऑल यू आर माई डेस्टिनी प्रकाशित की, जो दो अजनबियों की संयोग यात्रा पर आधारित एक रोमांटिक फिक्शन है। यह पुस्तक डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। उनकी 10वीं पुस्तक व्हेन हेवन फॉल्स डाउन महावीर पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई। उन्होंने गीतकार, पटकथा लेखक और रचनात्मक निर्देशक जैसे विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए विभिन्न रचनात्मक परियोजनाओं पर काम किया है। एक प्रेरक वक्ता के रूप में उन्होंने विभिन्न कॉलेजों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित कई सेमिनारों में भाग लिया है। वह कई मानवाधिकार संगठनों के मानद सदस्य हैं। उन्होंने वुमन डिजायर नाम से एक वेब सीरीज का निर्माण किया है। उन्होंने विभिन्न वेबसाइटों के लिए कई विषयों पर व्यापक रूप से लेख लिखे हैं। बिहार के इन 5 जिलों में मॉडल अस्पताल बनकर हुआ तैयार। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के 5 जिला अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए मॉडल अस्पताल के रूप में बदल दिया गया है और अब इन अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ गई है और साथ ही आईसीयू ऑपरेशन के साथ बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि जिन 5 जिलों में मॉडल अस्पताल तैयार हो चुका है उनमें अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, मधुबनी और सीतामढ़ी जिला शामिल है। ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा इन मॉडल अस्पतालों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया जाएगा। 2 नवंबर को इन 2 डॉक्यूमेंट के बिना गांधी मैदान में नहीं मिलेगी नए बहाल टीचरों को एंट्री। 2 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने वाले हैं, लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि नव नियुक्त शिक्षकों को 2 दस्तावेजों के साथ गांधी मैदान में आना अनिवार्य होगा। अगर अभ्यर्थी इन 2 दस्तावेजों को लेकर आने में असफल रहते हैं तो उन्हें गांधी मैदान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
मालूम हो कि नवनियुक्त शिक्षकों को अपने साथ औपबंधिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड लेकर 2 नवंबर को आना अनिवार्य है। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिले को छोड़कर शेष सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि समारोह में आने वाले शिक्षकों को संबंधित आदेश के बारे में अवगत कराया जाए ताकि उन्हें यहां कोई परेशानी न हो। घर बैठे पता करें कि आपका आधार कार्ड किस मोबाइल नंबर से है लिंक। अगर आप भी उन लोगों में हैं जिनको यह जानकारी नहीं है कि आपका आधार कार्ड किस मोबाइल नंबर से लिंक है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप घर बैठे ही यह पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस मोबाइल नंबर से लिंक है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं। यहां माई आधार सेक्शन पर क्लिक करें। यहां से फिर आधार सर्विस ऑप्शन पर जाएं और फिर वेरीफाई एन आधार नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद अपना 12 नंबर का आधार नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड सही से दर्ज करें, अब प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आधार से लिंक आपके मोबाइल नंबर के आखिरी के 3 नंबर नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहां नंबर नहीं नजर आएगा। इसकी मदद से आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस मोबाइल नंबर से लिंक है। बीपीएससी टॉपर पटना के अमन आनंद ने अपनी तैयारी को लेकर कहा ये। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित बीपीएससी 67वीं परीक्षा में पहले नंबर पर आए पटना के अमन आनंद के द्वारा अपनी तैयारी को लेकर अमर उजाला के साथ हुई बातचीत में कुछ जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा में सफलता का फॉर्मूला मुझे पिताजी से ही मिला है। माता पिता और गुरु के मार्गदर्शन और आशीष पाकर ही मैं यहां तक पहुंच पाया। इसके लिए मैं बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतना क्लियर किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का रिजल्ट नहीं दिया गया। मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूं, आगे यूपीएससी की परीक्षा दूंगा। अगला लक्ष्य मेरा आईएएस बनना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रशासनिक सेवा में आने का विचार कॉलेज के दिनों में ही जब वह चौथे सेमेस्टर में थे तब कर चुके थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की तैयारी दिल्ली में रहकर की, लेकिन कभी कोचिंग नहीं गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से पूरी की। इनका पहला अटेम्प्ट ट्रायल में चला गया तो वहीं दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने 52 रैंक हासिल किया और तीसरे में टॉपर बन गए। यह पढ़ाई में रोजाना औसतन 7 से 8 घंटे देते थे। उन्होंने बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मैसेज दिया कि सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करें, अफवाह से बचें और परफेक्ट नोट्स बनाएं। छठ को लेकर बसों में एडवांस बुकिंग जारी। कुछ दिनों में छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बसों में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और साथ ही पर्व को देखते हुए फेरों में भी इजाफा किया जाएगा। बता दें कि बसों का ई टिकट बुक कराया जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बिहार आने वाली बसों में 13 नवंबर तक करीब 20% के टिकट लोग बुक कर चुके हैं। ऐसे में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बसों के फेरों को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। छठ पर्व पर यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भीड़ काफी अधिक होने वाली है। शहर से नॉर्थ बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाली बसों में लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर पटना से नवादा, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, छपरा, मोतिहारी, रक्सौल, काठमांडू, दिल्ली आदि स्थानों के लिए बसों के परिचालन में इजाफा भी किया जाएगा। जापान यात्रा पर तेजस्वी यादव ने पेश किया सूबे में पर्यटन और विकास की ब्लूप्रिंट। 24 अक्टूबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीते दिन राजधानी टोक्यो में बिहार फाउंडेशन के जापान चैप्टर द्वारा प्रवासी बिहारी के लिए आयोजित कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बिहार में नई अवसर का सृजन कर रही है, खासकर युवा बिहारी की महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाते हुए राज्य को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें ऊर्जावान प्रवासी बिहारी से बहुत आशाएं हैं। आप लोग अगर बिहार को अग्रणी राज्य बनाने में अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों का उपयोग करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी बिहार प्रदेश की महान सभ्यता और समृद्ध संस्कृति के अभिन्न अंग है। सभी बिहारवासी अपने अथक परिश्रम, ईमानदार और जिम्मेदारी छवि के साथ दुनिया भर में प्रतिष्ठित है और जापान उनमें से एक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के विकास को विश्व स्तर पर ले जाने में अपनी भूमिका निभाने की जापान में बसे बिहार से अपील की गयी। बिहार के 4,60,000 छात्रों को नीतीश सरकार का दिवाली तोहफा।
मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण दसवीं पास विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार की ओर से 123 करोड़ रुपए जारी किए गए। बता दें कि शिक्षा विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत इस वर्ग में कुल पात्र विद्यार्थियों की संख्या 5,68,359 है, जिनमें से 4.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों की राशि लंबित है, जिनके लिए यह राशि जारी की गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर तक आवेदनों का सत्यापन करने का निर्देश कुल सचिवों को दिया है, ताकि दिसंबर में लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड पर हासिल की शानदार जीत। बीते दिन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम के द्वारा इंग्लैंड को 230 रन का लक्ष्य दिया गया। बता दें कि भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा शानदार 87 रन बनाए गए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव के द्वारा 49 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जवाब में खेलने उतरी इंग्लैंड टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत ने शानदार गेंदबाजी की और शुरुआत के 10 ओवर में ही 4 विकेट झटक कर इंग्लैंड टीम के कमर तोड़ दिए और मैच जीत लिया। बता दें कि भारत ने अब तक कुल 6 मैच खेले हैं, जिनमें से लगातार जीत हासिल की है। आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बयान। इन दिनों भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। बता दें कि इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए की है, जब वे बीते दिन भाजपा की तरफ से आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। दरअसल जब मीडिया के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में उनसे आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो पार्टी कहेंगे वह करूंगा। उन्होंने कहा कि किसको आगे बढ़ने का मन नहीं करता, कमर कस चुके हैं, बस आदेश का इंतजार है। उन्होंने आरा के लोगों से कहा कि सिर्फ मेहनत करना है, कुंवर सिंह की धरती का एक मैं भी बेटा हूं, बस आशीर्वाद बनाई सभी। आप लोगों ने ही गायक से नायक बनाया, आगे जो आप लोगों की मर्जी। वह जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार सरकार देश के मुद्दे पर चिंतित नहीं है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह पार्टी के नए सिपाही हैं, उन्हें बहुत जानकारी नहीं है और जिस मुद्दे पर जानकारी नहीं होती वह उस पर नहीं बोलते, जो पार्टी कहेगा वह करेंगे। हर इंसान को आगे बढ़ने का मन करता है। सरकार के टमाटर वाले प्लान से सस्ती बिकेगी प्याज। इन दिनों प्याज की कीमत आसमान छूती नजर आ रही है, जिससे कि आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि मंडी विक्रेताओं को आशंका है कि आने वाले दिन में प्याज की कीमत 100 रुपए के आंकड़ों को भी पार कर सकती है। इसी को देखते हुए अब सरकार प्याज पर भी टमाटर वाला फॉर्मूला लगाने की सोच रही है, ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत पहुंचाई जा सके। दरअसल कुछ समय पहले जब टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, तो सरकार की ओर से कम कीमत में टमाटर बेचने का फैसला लिया गया था। वैसा ही कुछ प्याज के साथ भी किया जा रहा। बता दें कि राज्य के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले डीजीएफटी मध्य प्रदेश और राजस्थान हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज मांगना शुरू कर रहे हैं, जिसे अब सरकार कम कीमत पर बेचेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए निर्यात मूल्य $800 प्रति टन घोषित करने का भी फैसला लिया गया है। एक्टर विशाल आदित्य सिंह ने अपने ड्रीम को लेकर किए खुलासे। बिहार के लाल और सीरियल और रियलिटी शोज में लोकप्रिय चेहरा बन चुके अभिनेता विशाल आदित्य सिंह के द्वारा अपनी जर्नी को लेकर उर्मिला कोड़ी से हुई बातचीत में कई खुलासे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी लिखी हुई वेब सीरीज का डायरेक्ट करूं। मैंने काफी कुछ लिखा है और मैं इस पर काम करूंगा। उन्होंने कहा कि 11 साल हो चुके हैं और मैं लगातार काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, हिंदी के डिक्शन में भी परेशानी होती थी, बहुत रिजेक्शन भी झेला, लेकिन मेहनत बहुत किया। उन्होंने कहा कि मेहनत करने से जो मौका बनते हैं मैं उसी को किस्मत मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पक्का बिहारी हूं और बिहारी ही रहूंगा। साल में 2 बार आना जाना हो जाता है, बिहार को बिहारी से कोई नहीं निकाल सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल विशाल आदित्य सिंह इन दिनों धारावाहिक चांद जलने लगा में नजर आ रहे हैं, जो बतौर लीड उनका 7वां शो है। उन्होंने कई रियलिटी शो में भी भाग लिया है और साथ ही उन्होंने 2 वेब सीरीज भी की है।
गया में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन नए नए तरीकों से शराब तस्करी करते हुए पाए जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला गया जिले का है, जहां मगध विश्वविद्यालय थाना की पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर थाना इलाके के मटिहानी गांव में छापेमारी करते हुए मनीष यादव पिता कुलेश्वर यादव के घर से 18 केन बियर और 16 बोतल विस्की बरामद की गई है। वहीं काजर मांझी पिता अर्जुन मांझी के घर से 25 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। फिलहाल इस मामले में थाना कांड संख्या दर्ज करते हुए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही मनीष यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का काम जारी है। बता दें कि इस बात की जानकारी मगध विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद के द्वारा दी गई है। बिहार के न्यूनतम तापमान में आ रही गिरावट। बिहार में मौसम अचानक अपना तेवर बदल रहा है। पिछले 48 घंटे में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राज्य का औसत अधिकतम तापमान 31.99 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमालय की तलहटी में हल्का कुहासा रहने की उम्मीद है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि धुंध भी छाया रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 30 अक्टूबर तक यानी कि आज तक तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं उत्तरी भागों के तलहटी वाले स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। बिहार से खेलने वाले युवा क्रिकेटर वंशज शर्मा पर बीसीसीआई ने लगाया 2 साल का प्रतिबंध। बिहार में राज्य संघ के तहत क्रिकेट में सक्रिय रूप से भाग ले रहे युवा क्रिकेटर वंशज शर्मा पर अलग अलग जन्मतिथियों के साथ कई जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की ओर से उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि मूल रूप से वंशज शर्मा जम्मू के रहने वाले हैं, और उनके ऊपर यह कार्रवाई उनके खिलाफ लगे आरोपों में मामले की जाँच करने की बात की गई है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा गया कि वह वर्तमान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ है। वह मूल रूप से 2021 में हमारे द्वारा अंडर-19 खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत थे। उन्होंने बीसीए द्वारा एक अलग जन्मतिथि के साथ अंडर-23 खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत किया गया था। उन्हें बीसीसीआई द्वारा पकड़ा गया है और प्रतिबंधित कर दिया गया है। मालूम हो कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 2 साल का प्रतिबंध पूरा करने के बाद खिलाड़ी केवल बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर पुरुष टूर्नामेंट में ही भाग ले सकता है और उसे क्रिकेट बोर्ड के किसी भी आयु वर्ग के टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। बीते दिन समस्तीपुर में रामविलास पासवान स्मृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान के द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने चिराग को समाप्त करने के लिए सब हथकंडा अपनाया, जबकि मेरे पास आय से अधिक कोई संपत्ति नहीं है, न ही मुझ पर कोर्ट में कोई मामला है। उन्होंने पार्टी को तोड़वा कर मुझे कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर बिहार को पिछड़ा बनाकर रखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। उनकी गलत नीतियों के कारण आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते बिखर जाएगा। कांग्रेस, सपा और आपकी स्थिति अभी से ही नजर आ रही। इसके साथ ही उन्होंने समस्तीपुर के सांसद उनके छोटे भाई प्रिंस राज को लेकर कहा कि व्यक्तिगत रिश्ते व चुनाव में दल के रिश्ते अलग होते हैं। समस्तीपुर लोजपा की सीट रही है। वर्तमान सांसद प्रिंस राज एनडीए के उम्मीदवार नहीं होंगे। लोजपा के उम्मीदवार का फैसला संसदीय दल समय आने पर तय करेगा। सीएम नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने पर जदयू अध्यक्ष का बड़ा बयान। बीते दिन जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले चुनाव में फूलपुर से लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि जदयू कार्यकर्ताओं की यह इच्छा है कि वह चुनाव लड़े, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। उन्होंने कहा कि जब आप समझ लीजिए कि वहां के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार वहां से आकर चुनाव लड़े, तो भाजपा को वोट कहां से मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान बिहार के कुछ जिलों में हुए छिटपुट हिंसा को लेकर कहा कि नीतीश कुमार के रहते हुए कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ नहीं सकता है। आपको याद है कि भाजपा हमारे साथ सरकार में थी और उनके केंद्रीय मंत्री
के बेटा जेल गए थे। नीतीश कुमार को इन चीजों की फिक्र नहीं होती। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जदयू के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी संगठन को मजबूत नहीं करे। निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा में इंडिया के घटक दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने महुआ मोइत्रा के मामले पर कहा कि उन्हें इस बारे में अखबारों से जानकारी मिली है, सच्चाई पता नहीं है, लेकिन आचार समिति दोनों पक्ष को सुनेगी। पशुपति पारस का भतीजे चिराग पासवान पर हमला। बीते दिन रविवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह अगले चुनाव में हाजीपुर संसदीय सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि हाजीपुर मेरा सीट है, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का दल अब दलदल बन चुका है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को हाजीपुर के अक्षय वट राय स्टेडियम में रालोसपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य रामविलास पासवान की आत्मा को शांति देना है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांटना अच्छी बात है, लेकिन बिहार में हर चीज में गड़बड़ी होती है, चाहे वह नियुक्ति पत्र बांटना हो या जाति आधारित गणना करना। उन्होंने कहा कि हमारे पैतृक गांव में कोई नहीं आया, जबकि वहां से 3 सांसद है। यह गणना सचिवालय में बैठकर की गई है। अगले चुनाव में एनडीए का बिहार में ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। एनडीए को बिहार की 40 में से 40 सीट पर जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी के खेत में धान की कटाई करने पर प्रशांत किशोर का तंज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी साहब 2011 में आपकी सरकार थी और आपने जनगणना करवाई थी, वही आप जारी कर दीजिए। देश में आपकी सरकार कब आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है। जब आप सरकार में थे और जातिगत जनगणना पूरे देश में करवाई थी, उस समय आंकड़ों को क्यों नहीं जारी किया, पहले ये बता दीजिए। राहुल गांधी आज जागेंगे, इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। आज राहुल गांधी अगर खेत पे जाकर धान की रोपनी देखने लगेंगे, इसका मतलब ये नहीं निकल सकता कि धान की रोपनी आज से होने लगी है। वो राहुल गांधी के लिए नई बात हो सकती है कि धान की खेती कैसे होती है, इसलिए वो कैमरा लेकर देखने गए हैं। देश के बहुतायत लोग जानते हैं कि धान की खेती कैसे होती है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो राहुल गांधी को आज पता चला है कि बिहार में अनारक्षित वर्ग के लोग 85% है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस की ये दुर्दशा है। कांग्रेस के कोई भी लीडर जो किसी भी दल का नेता है और जो जमीन से जुड़ा हो, उन्हें ये आंकड़े मालूम है। राहुल गांधी को बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। टीचर बहाली में धांधली का सबूत देंगे जीतन राम मांझी। बीते कुछ दिनों से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के लिखित परीक्षा के द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आयोग को सबूत सौंपने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य ने जो टीचरों की बहाली करवाई है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शिकायत भेज रहे हैं। हम इस मामले में जाँच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए और फिर दोबारा रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटना बिल्कुल गलत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत संयुक्त राष्ट्र में 1945 को शामिल हुआ। भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक 1956 में खुला। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर ने 2008 में फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 1% की कमी की। भाजपा के प्रसिद्ध नेता तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल भाई महावीर का जन्म 1922 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रमोद महाजन का जन्म 1949 में हुआ। भारत की महिला पिस्टल निशानेबाज राही सरनोबत का जन्म 1990 में हुआ। अनुशीलन समिति के प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों में से एक प्रमथ नाथ मित्र का जन्म 1853 में हुआ। बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार सुकुमार रे का जन्म 1887 में हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में हुआ। महान चिंतक तथा समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु 1883 में हुआ। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का मृत्यु 1974 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मृत्यु 1984 में हुआ। भारत के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता विनोद मेहरा की मृत्यु 1990 में हो गई। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक वी शांताराम का मृत्यु 1990 में हुआ। वर्ल्ड कप में आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कथित तौर पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा जारी एक पत्र में प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और पत्र का जवाब मांगा जा रहा। पीआईबी ने भी ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है। भारत सरकार के अधीन किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया साइबर अपराधियों को मदद करने वाला फीचर।
व्हाट्सएप ने हाल ही में एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जो साइबर अपराधियों और आतंकियों के लिए मददगार साबित हो सकता है। दरअसल व्हाट्सएप ने कॉल के दौरान आईपी एड्रेस छुपाने का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसे प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल कहा जा रहा। ऐसे में इस फीचर को लेकर कई देशों के साइबर एक्सपर्ट के द्वारा विरोध किया जा रहा। दरअसल इस फीचर की मदद से कॉल करने वालों को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस हिडन रहेंगे, जबकि पहले आईपी एड्रेस की मदद से सरकार और पुलिस के द्वारा उस कॉल करने वाले व्यक्ति को आसानी से ट्रैक कर लिया जाता था। ऐसे में व्हाट्सएप के इस फीचर की वजह से अपराधी पुलिस की पहुंच से काफी दूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपी एड्रेस यूजर के मोबाइल नेटवर्क यानी होस्ट और इंटरनेट के बीच एक 12 अंकों का यूनिक एड्रेस यानी डिजिटल पता होता है, जिसका उपयोग डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, आईफोन ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी के साथ भारत में आईफोन सेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है? ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी माइक्रोमैक्स, ऑप्शन डी रिलायंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टाटा। अगला सवाल, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी गिनी की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल, ग्लोबल रिसर्च एजेंसी स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। अगला सवाल, बिहार में मानसून कहां से आता है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी मजरूल हक ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रामनवी मांझी, कस्तूरी शर्मा, मोहम्मद फहीम, यदुवंशी, मनीष पाल, विवेक मिश्रा, राजीव कुमार, प्रहलाद कुमार, संजीत कुमार, विनय राज, मंटू कुमार, अतीक खान, सदुल्लाह पलवी, विकी कुमार, विकास दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विश्व कप 2023 में भारतीय टीम के द्वारा खेले गए अब तक 6 मैचों में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।